आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। जैसे कि उत्तराखंड में चुनावी घमासान शोर रखा है, चुनाव में काफी कम वक्त बचा है, वहीं आज हमारे साथ मौजूद है दिनेश रावत जी, जो कि कैंट विधानसभा से निर्दलीय लड़ रहे हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बार कैंट विधानसभा को क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, क्या कुछ बदलाव लेकर आएंगे आप? देखिए, मैं कैंट विधानसभा में, जिस तरह मैंने कहा कि सबसे पहले मेरी जो लड़ाई है परिवारवाद और भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ है, और मैं चाहता हूं कि कैंट विधानसभा की जनता जिस तरह लगातार मेरा साथ दे रही है, कैंट विधानसभा जनता का जो आशीर्वाद और प्यार मुझे निरंतर मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर इस विधानसभा में इस समय बड़ा बदलाव आने वाला है। लोगों का मन इस समय दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों को बदलने का मन है। लोगों के मनों में जिस तरह लगातार पिछले 40 साल से एक ही परिवार को के व्यक्ति को टिकट देना और फिर दूसरी पार्टी के लगातार चुनाव में आना और हारना, ऐसी पार्टी के प्रत्याशी को लोगों का इस समय मन है कि लोग बदलाव लाएंगे और इन दोनों प्रत्याशियों को सिरे से खारिज करना चाहते हैं। सर, आप डोर टू डोर भी कर रहे हैं, तो आपको जनता की क्या क्या समस्या? जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे सड़कों की है, बिजली की है, पानी की है, हाई टेंशन की है, लोगों की मेडिकल की सुविधाएं हैं, सीवर की सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, इस तरह तमाम सुविधाएं मिल रही है, जन समस्याएं देखने को मिल रही है। जनता अपनी समस्याओं को भी बता रही है। जनता को इस समय एक ऐसा लग रहा है कि पिछले 40 सालों से लगातार एक ही काम को देख करके, लगा सड़क और नाली की बात को देखकर जनता बिल्कुल निरंतर इस बात से उब गई है। जनता चाहती कि इस समय कोई बहुत बड़ा बदलाव हो और हम क्षेत्र के लोगों को नया आयाम देंगे। इस विधानसभा में बहुत कुछ करने का एक बड़ा विजन लेकर के हम आए हैं। सर, युवाओं के लिए क्या नया बदलाव लेकर आओगे आप? देखिए, युवाओं के लिए मैंने जैसे कहा कि बेरोजगारों के लिए रोजगार, हर हाथ को काम, हर घर को काम, हर महिलाओं को काम, और युवाओं के लिए मैं खासकर, मेरे पास युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा रोजगार का एक मेरे पास पैकेज है, मैं उसको दूंगा। जैसे जिस तरह एक बड़ी बड़ी कंपनियां युवाओं को रोजगार देते हैं, मैं चाहूँगा कि इस बार मैं युवाओं के लिए अपने स्तर पर छोटे छोटे उद्योग लगाकर, जैसे आपका मोमबत्ती का उद्योग लगाकर, बल्ब बनाने की फैक्ट्री, छोटे से छोटे लघु उद्योग लगाकर, कुटीर उद्योग लगाकर, उनको ब्याज मुक्त ऋण देकर, जैसे कि छोटे छोटे समूह मैंने पिछली बार बनाए थे, पांच पांच महिलाओं का समूह बनाकर 5 लाख रुपए तक के हमने महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया था, और ऋण दिलाने की जितने भी मैंने सभी समितियों को ऋण दिया है, ऐसे में युवाओं को भी जोड़कर उनको एक सूत्र में पिरोकर रोजगार देने का काम करूँगा। छोटे छोटे समूह बनाकर युवाओं के लिए एक रोजगार का एक रास्ता खोला जाएगा, एक माध्यम खोला जाएगा, और बैंकों से उन्हें बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा ताकि वो अपना रोजगार खड़ा कर सके, और उनको इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उनके लिए स्थल भी दिया जाएगा, उनके लिए पूरा एक सिस्टम को डेवलप किया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। देखिए, जैसे मैंने कहा आपसे कि दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों से लोग कैंट विधानसभा में खासकर उब चुके हैं और दोनों लोगों का मन इस समय बदलाव का है। मेरे लिए इस समय दोनों पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, मेरी इस समय जो जनता का जो आशीर्वाद और जनता का जो प्यार मुझे मिल रहा है, उससे लगातार मेरे को लग रहा है कि हम लोग जो हैं, ये दोनों पार्टियों के प्रत्याशी कहीं भी लोगों की नज़र में नहीं है। लोगों का इस समय बड़ा परिवर्तन का मूड है, जनता भूलती नहीं है, दिखता बहुत कुछ है। जनता के हाव भाव से इस समय ऐसा लग रहा है कि जनता इस समय पूरा मुझे आशीर्वाद देगी और इन दोनों प्रत्याशियों को इस समय बाहर का रास्ता दिखाएगी, और मैं इस समय चुनाव जीतने जा रहा हूँ। लोगों का जो जन समर्थन और जन समूह मेरे साथ उमड़ रहा है, लोगों का प्यार और आशीर्वाद जो मिल रहा है, मैं यह क्षेत्र की जनता का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ और आशीर्वाद देने के लिए अपील करता हूँ कि जिस तरह उनका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, वो सदैव मिलता रहेगा और मैं उनके आशीर्वाद पर खरा उतरूंगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। और जनता ही सबसे प्रजातंत्र में राजा होती है, जनता का पूरा इस समय अधिकार है, जनता के पास इस समय अपने जवाब देने का मौका है। ऐसे इस समय वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ वोट करेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। ऐसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, देखते हैं। ये उत्तराखंड खबर प्रियंका रावत के साथ।